जीटी न्यूज। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान भी तमाम जगहों पर बवाल हुआ है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना के केंद्र पर जाने से रोकने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में हुई हिंसा स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर की तरह है। बीजेपी ने कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल और कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कहां हैं। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतगणना केंद्र का दौरा किया और कहा कि कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। इन सबके बीच नतीजों में टीएमसी सबसे आगे रही। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव शुरू से ही हिंसा और हंगामे से भरा रहा है और अब मतगणना के दिन भी हंगामा कम नहीं हुआ। रक्तरंजित दाग से कलंकित पश्चिम बंगाल के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई। निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद कुछ मतगणना केंद्रों के बाहर लाठी डंडे चले। वीरभूम और दक्षिण 24 परगना जिले में मतगणना केंद्र के बाहर दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। बीजेपी का दावा है कि उसके काउंटिंग एजेंट को कई जगहों पर मतगणना केंद्र के अंदर नहीं घुसने दिया गया। कई जगहों पर भाजपा एजेंट से मारपीट की गई। पार्टी का आरोप है कि डायमंड हार्बर के फकीर चंद कॉलेज के सामने भाजपा के काउंटिंग एजेंट को पीटा गया। पुलिस तमाशबीन बनी रही। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए यहां हुई हिंसा को प्रायोजित बताया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही थी। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। तमाम और जगहों से हिंसा और हंगामे की खबरें भी आई हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में जीते बीजेपी उम्मीदवार के काफिले पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो कूच बिहार के फलीमारी ग्राम पंचायत में एक मतगणना केंद्र पर कथित रूप से एक टीएमसी उम्मीदवार द्वारा मतपत्रों पर स्याही और पानी फेंके जाने के बाद हंगामा हो गया। वहीं मालदा में मतगणना केंद्र से मतपेटियां चोरी के प्रयास के आरोप को लेकर भी हंगामा हुआ। बैरकपुर में बीजेपी उम्मीदवार को मतगणना केंद्र के बाहर कर दिया गया। हावड़ा में एक मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। वे कथित तौर पर मतगणना केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। बाहर से लोग आके भर के कल रात से रख दिया है काउंटिंग का जो रूम है उसमें, और कार्ड पहन के उसमें बंदूक लेके और मोबाइल लेके। हम लोगों के पास मोबाइल अलाउ नहीं है, एक पेन भी अलाउ नहीं है बीजेपी का एजेंट का, लेकिन टीएमसी ने बाहर से लोग को लेके आया, उसके साथ ड्रिंक, उसके साथ गन, उसके साथ सब कुछ उनके साथ है। मंगलवार को मतगणना के दौरान भारी हिंसा को देखते हुए भाजपा के 133 परिवार बंगाल की सीमा पार कर असम पहुंचे हैं। वहां असम सरकार ने उनके रहने खाने और चिकित्सा आदि की व्यवस्था की है। इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट कर दी है। बीजेपी ने हिंसा को एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर करार दिया और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल जी कहां है आपका, आपकी मोहब्बत की दुकान का कोई जिक्र नहीं है। आप तो पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे। मैं बताता हूं राहुल जी, आप आज मोहब्बत की दुकान के विषय में बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके आकांक्षाओं का मेगा मॉल खुला हुआ है, द मेगा मॉल ऑफ योर एम्बिशन। यू वांट टू बिकम द रूलर ऑफ दिस कंट्री बाय हुक और बाय क्रुक। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज सुबह दक्षिण 24 परगना में एक मतगणना केंद्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी गुंडों और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। The only message which I could get today is, if winter comes, can spring be far behind? Good will happen in the days to come. इस बीच नतीजों में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस बाकी विपक्षी पार्टियों से काफी आगे निकल गई है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। गौरतलब है कि मतदान वाले दिन जमकर हिंसा हुई। 8 घंटे के दौरान 18 लोगों की जान चली गई। 8 जून को चुनाव की घोषणा के बाद से लेकर अब तक बंगाल में 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़।